लो वो देखो ट्रैक्टर तो बहुत देखे होंगे, मतलब बेटे मतलब अब ना साहिल का नंबर आ गया, साहिल ने पिछले टायर में बाढ़ कर देखेंगे। एक बार पढ़िए, एक बार पढ़ कर दिखा दे साहिल, एक बार देखेंगे इसके दिए घूम जाइए बैठ कर ना, एक कने पा कर लिए आ जाओगे ना आराम दे। हाँ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। अरे भाई देख लत्ता बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो मेरा लगा डूंगा कितना रिम और सड़क भी तरने, अकेला है तो एडजस्ट कर लेना, ये मुंह ढके कुछ नहीं होता, डाठा मार के क्या करेगा। गोड़े गाड़े के चक्कर में ले जा। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, भाई ने ना मतलब साहिल मलिक के परिवार में एक नया मेंबर आ गया, जमींदार आ गया। ये देखो भाई फार्म ट्रक की, वैसे यार लुक बनती है ट्रैक्टर की बढ़िया जबरदस्त, क्यों ले वो साउंड बहुत तेज है, ट्रैक्टर भी नहीं सिट्टी मारे निकाजू करिए, पलवल वाले किलकी मारन लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं तेरे घर में भुजा फाड़ दूंगा। साहिल भाई एक बात फर्क है ना, उस देखो ट्रैक्टर तो बहुत देखे होंगे, मतलब एक टाइम था कि छोटे हाथी भी लिखा करता, मतलब टाटा के मैजिक पर छोटा हाथी, आज अपन दिखाऊंगे पावर ट्रैक का बड़ा हाथी। आम तौर पर ना आज के टाइम में लोग करेज हो रहे हैं किसान भाइयों में, जो कंपनी से टायर सहजा हो ना उसको निकालना है और भाई बड़ा टायर डालना है, मतलब या तो कह लो भाई पैसे का शौक है या कुछ भाइयों ने जरूरत है बड़े टायर की। जैसे मेरे पास आपने देखा होगा एक ट्रैक्टर था HMT का 25-22, उसमें 12 के टायर आए थे, तो मैंने उसमें निकाल के 13 के डाले, क्योंकि उस ट्रैक्टर का जाथर नहीं है कि इतने बड़े टायर चला सके, और जाथर के हिसाब से काम करना चाहिए मशीनगरी के साथ में भी और अपने मतलब खुद के लाइफ टाइम में भी। तो मतलब आज इस ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे, इतने मोस्टर टायर वाला ट्रैक्टर कहाँ था आया और चलाने वाला चेहरा तो आप पहचान गए होंगे, साहिल मलिक है और इस भाई पर तो ना शिवराज था और सोनाली का था, लेकिन ये ट्रैक्टर भाई इस ट्रैक्टर पर बैठा है तो कहाँ था आया ट्रैक्टर यार, देखना तो एक बार पड़ेगा और बातचीत भी करनी पड़ेगी इसके बारे में कि यह चीज़ आई तो कहाँ से आई। और ये देखो मतलब भाई 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 शक्तिमान मत बने, उड़िए मत, शक्तिमान मत बने, ये पंख कट्ठे कर लिए अपने, क्या कर लिए, बाकी नीचे कूद दिया ट्रैक्टर दे, क्योंकि तेरे ऊपर मैं तेरा इंटरव्यू नहीं ले पाऊंगा, उठ बैठ जाएगा जब भी काम चल जाता। तो यो पावर ट्रक 7000 है, तेरे पास तो यार सोनाली का और शिवराज थे, यो आज अलग मार्का कहाँ था आ गया? यो आज अलग मार्का अपने पे 15-16 दिन हो गए आ रहा भाई, ट्रैक्टर यो पलवल ता रहा, पलवल ता अच्छा यो भाई इन भाइयों का ट्रैक्टर है, इन भाइयों का ट्रैक्टर है। तो मतलब कई बार मतलब ऐसा महसूस नहीं होता साहिल के भाई अपना तो मतलब जो है लेवल जो बनया है इतने ऊपर आप आए हो, तो भाई शिवराज थे या फिर सोनाली का थे तो इस पर पावर ट्रैक पर बैठे, ऐसा कुछ शर्म कभी महसूस हुई कि भाई दूसरे ब्रांड पर चले गए? ना मतलब शर्म तो महसूस को ना, इनू यार तैयार करके देना अपन ने तो ठीक है। हाँ हाँ। बाकी आप तो जिन्हें चला हुआ है जिनकी आदत पड़ रही तो अपनी तो आदत उनकी है। हाँ हाँ। इनका तो बस नू भाई लाड प्यार में तैयार कर सारा कुछ, मतलब इफ जून से भाई बाई चांस कोई सकल ना दूसरा भाई और भी कोई सा लेके आ गया तो तैयार वो भी करना पड़ेगा, अपन उस चीज का कोई दिक्कत नहीं भाई के ब्रांड दूसरा नहीं। कई बार बंदे के सोचे ना यार मैं तो जो कर, कई मिस्त्री आ गया देते हैं मैं तो उससे चीज का स्पेशलिस्ट हूँ, हाँ, दूसरे का हाथ नहीं लाऊं ना, या गलत है, या गलत है, मतलब आप तो कोऑपरेट करो यूरो ने भी। हाँ, कोई दिक्कत सारी कंपनी ना अपना बढ़िया सिस्टम है, कंपनी कोई भी बेकार नहीं होती, कंपनी सारी बढ़िया हुआ, बस अब अपनी सोच का फर्क हुआ थोड़ा सा भाई, अपनी सोच कौन सी नहीं, कई बार के है अपनी जो ऑडियंस है ना, हाँ। वो भी हम नहीं यू क्या लग जाए यार आज तो दूसरे ट्रैक्टर पे बैठा दूसरे ब्रांड पे आ गया, हाँ। तो मतलब अपने पास तो यार सोनाली का है या शिवराज है ना यार, अपन इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है, अपन तैयार करके देना जो जिससे उस दिन हम चलावा है, मतलब जिससे उस दिन यूज करे शिवराज ने सोनाली का ने, हाँ।
उन्हें तो यूज कर दे रहे आप, लेकिन जून से भाई ट्रैक्टर तैयार करना होगा, जून सा भी होगा अपन उस चीज तो कोई सा नीचे हो वाइसर क्यों ना हो अब उसने भी तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ओ तो यो ट्रैक्टर है कौन से भाई का? यो भाई इस भाई का है। अच्छा इसी भाई का है, तो राम राम भाई। तो यो ट्रैक्टर मतलब कब लिया आपने भाई? 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है यार, लग तो बिल्कुल ब्रांड न्यू रहा है भाई, बस संभाल कर रख रखा है। संभाल कर रखे है। अच्छा अच्छा, तो अपना नाम पता बता हमारे दर्शक भाइयों ने। नाम भाई अमित है और गांव मानवास है, ये पलवल के पास पड़ता है। अच्छा, पलवल के पास। यार जब तक मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, यो ट्रैक्टर पावर ट्रक 7000 देखा देखा, आपका कोई चैनल है? हाँ चैनल है। किस नाम थे? अमित तनवर 7000 के नाम थे। अमित तनवर 7000। तो इस टाइम तो इसमें छोटे टायर थे शायद? इसमें 16 के टायर थे, टोचन वोचन में चलाया थोड़ा। हाँ हाँ, मतलब ज्यादा ना करे, थोड़े बहुत ही करे। हाँ। उसके बाद फिर मन में यू आई की मॉडिफिकेशन करेंगे, अब टोचन वोचन देखेंगे बाद में। अच्छा अच्छा, मॉडिफिकेशन करोगे। तो 7000 तो उस टाइम भी लिखा हुआ था। हाँ मतलब कि अपने दिल में ही 7000 लिखने की। हाँ हाँ, तो इस करके लिख लियो, वैसे तो है तो 55 यूरो। हाँ हाँ, पर 7000 तब तक लिख लियो, फिर ब्रांड हटाना ही ना, ब्रांड हटाना ना है। लेकिन एक बात बोल बोल साहिल भाई के को दे। ब्रांड हमारा ब्रांड बना दिया पावर ट्रैक 7000, तो अलग यूनिक चीज बना दी। तो आपने एक चीज देखी होगी ना भाई, अगर किसी ने आज मान लिया होटल खोल लिया और कल को होटल बढ़िया चल जाए तो प्रमोशन हो जाए, पहले 2 स्टार था, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार हो गया, तो इसके स्टार बदलो ना, मतलब ये ट्रैक्टर अपग्रेड कर दिया आपने। स्टार अलग था, बदल दिए इसके। बदल दिए हमने 7-8 स्टार लगा रखे। स्टार तो लग रहे नहीं, नाम भी प्लस जैसे भाई इसका कुछ रखो, 7000 भी अपग्रेड हो गया। टाटा ने एक मैजिक काटी थी, उसका नाम था भाई छोटा हाथी है, और बहुत सारे भाइयों ने लिखवा रखा था भाई बड़ा होकर ट्रक बनूंगा, मतलब यू चीज जो है बड़ा हाथी हो चुका है। तो इसका जो 7000 है, तो इसने 7000 नाम ने भी अपग्रेड करो ना। बाकी देखो ट्रैक्टर आपका चीज आपकी भाई, अगर बड़े टायर आ गए, मोस्टर टायर आ गए, म्यूजिक सिस्टम। अच्छा म्यूजिक सिस्टम कितने का लगवाया इस पे? बहुत भारी लग रहा है। म्यूजिक सिस्टम में कम से कम 1,00,000+ का खर्चा आ रहा है। 1,00,000+ का खर्चा। और टायरों में? भाई क्योंकि बहुत सारे ना साहिल भाई, बहुत सारे किसान भाई पूछते रहे हैं भाई बड़ा टायर लेना है, कहाँ तक आओगा? क्योंकि किसान भाई पैसा लगा के तो खुश है, लेकिन उन्होंने इस बात का ही नहीं पता ये आएंगे कहाँ से, किस दुकान से मंगाई जाए, है ना। तो भाई ये टायर अपने ऑर्डर हुए थे भाई पंजाब से। अच्छा, और प्राइस इनका? प्राइस भाई पिछले टायरों का 1,80,000-90,000 के बीच में प्राइस है। और अगले टायर की बात करें तो साहिल भाई, अगले टायर की भाई बात करें हम, अगले टायर का प्राइस 1,00,000 के करीब। तो भाई देख मैं तो यू कहूंगा, जब इतना पैसा इस पर लगा दिया ना, तो अभी ये तो 7000 का 70,000 बना दो या 7000 प्लस करो, क्योंकि देखो आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट प्लस करिए, मतलब अपग्रेड करें इसे। हाँ, 2 स्टार को 3 स्टार 5 स्टार में बदल दो ना बिजनेस। अब अपने ऑडियंस के आगे सामने बात रखो भाई, अगर पैसा लगाया है तो अपग्रेड करें नाम ने, ठीक है ना। तो मतलब तो भाई कैसे शौक बना इतना भाई, इतना पैसा लगाने का मन कैसे बना ट्रैक्टर में? भाई शौक है वैसे ही, और फिर कुछ इस पे ना प्यार भी ज्यादा है। कुछ कारण प्यार का? कारण ये है कि शुरू से मतलब कि जब तक अपने ऊपर जिम्मेदारी आई, संभालो काम तो इसके गेला ही करो सारा काम। अच्छा, उसके बाद ट्रैक्टर तो दूसरो भी है, इंडो फार्म 4x4 है दूसरा अपने पास, खेती बाड़ी का सारा काम उससे ही करें अब तो। अच्छा, इस पे तो यूज मन में आई कि भाई इसे तो बढ़िया तरह समाज, मतलब कहीं ना कहीं इसने मतलब आपका जो बैंक बैलेंस लेवल है वो ऊपर उठाया काम करके, तो लगाओ बन गया मशीन खरीदे। कई बार ऐसा हो जाता है ना भाई, मतलब कोई दिल ने चीज बाज है, मैं भी 740 मैंने 19 साल चलाया था, और उसने मैं फिर मैंने बेच भी दिया था, तो 1.5-2 साल के बाद मैं उसने दोबारा फिर लिया था, और लिया के मैं 2,00,000 का लेकर आया, 1.5 का पार्टी को बेचा, 2 का लेकर आया, और आने के बाद 2-2.5 लाख रुपये फिर ऊपर लगा दिया। तो मैंने लगा हो जाए उन चीजों, तो भाई इस पे पैसा लगाना है, रखनी चीज। हाँ, तो जब 30-55 लिया था ना, तो हम कह रहे कि छोटे भाई बोलो कि भाई इसे दे दें, और कि देख की जरूरत है बहुत है, एक ही मम्मी ने बोली कि ना यू ना बेचना, तो मैंने कि अब यू बेचना ना, तो जब है ही लकी तो इसे अपग्रेड ही करेंगे, मतलब बढ़िया मॉडिफिकेशन करेंगे इसकी। अच्छा अच्छा साहिल भाई, आपके जो चैनल पे है ना एक लड़का हो रहा है अगर आपके साथ, क्या नाम? ऋतिक। दिखा नहीं आज कहाँ है? हो रहा, अपना दूसरा ट्रैक्टर लेकर आए थे भाई,
अच्छा एक ट्रैक्टर और आ गया। हाँ अच्छा अच्छा एक ट्रैक्टर फार्म ट्रक साइड लेके आए थे हम तो बोल रहे थे भाई स्वराज ले लो, फिर वही बात है ना सबकी पसंद अलग अलग हुआ है। हाँ। तो चलो कोई नहीं स्वराज भी बढ़िया है और ट्रैक्टर भी फार्म ट्रक का यार नाम रहा है जब से फार्म ट्रक लॉन्च हुआ है। हाँ। और पुराने टाइम में भी 3600 का पूरा रुका रहा है। हाँ। है तो यह बात है। अच्छा अच्छा इस भाई का यो 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 भाई भी तो तेरे परिवार में तो नहीं शायद ताऊ का लड़का है तो मतलब अगली वीडियो में स्वराज सोनालिका की जोड़ी में फार्म ट्रक और पावर ट्रक भी दिखेंगे। हाँ, अभी देखो ट्रैक्टर तैयार करके भेजना है जोन सा पावर ट्रक अपने पास। हाँ हाँ तो ये तो भाई उड़ जाएगा फिर वो लोगो लोग बनाऊंगे। हाँ। साथ में मतलब एक महीने में 15-20 दिन में चक्कर लगता रहूंगा वो तो बाद की बात एडजस्टमेंट हो जाएगी बात ना। हाँ। लेकिन ज्यादा खर अपने ट्रैक्टर का ही आओगी वीडियो तो माउजर की और भाई की। अच्छा 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 यो किस काम के लिए ट्रैक्टर लिया भाई? बस यो भाई खेती के लिए लिया कंप्यूटर घोड़े गाड़े के चक्कर में लिया। अच्छा अच्छा यो देखो भाई भाई ने ना मतलब साहिल मलिक के परिवार में एक नया मेंबर आ गया जमींदार आगा। ये देखो भाई फार्म ट्रक की वैसे यार लुक बनती है ट्रैक्टर की बढ़िया जबरदस्त क्योंकि फार्म ट्रक का ना पुराने टाइम से ही नाम तो चला ही है भाई। फार्म ट्रक जब 13 के टायर में आया करता 60 जब भी इसका नाम था फिर 14 के मैच जब भी नाम था और 16 मैच जब भी नाम था 50 HP था 55 HP में आया तो भी फार्म ट्रक का नाम चला है। मतलब फार्म ट्रक वो ब्रांड रहा है फार्म ट्रक कंपनी का फार्म ट्रक 60 के जिसका मतलब रेगुलर नाम चला है। तो ऋतिक भाई कैसा लगा ट्रैक्टर? बढ़िया है मस्त लग गया। फिर एक आदि तो जोड़े में चल लगा अपने की देख रवा रुआ तो करना पड़ेगा ना। यो भाई यो भाई यो भाई भी देखे लग गया। यो भाई मैं पहचान नहीं पा रहा देख शर्म की बात नहीं पहचान नहीं पा रहा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। मैं नीरज हूँ। कहाँ से भाई? सुनोली गांव से। आपने ट्रैक्टर की दुकान है ट्रैक्टर वर्कशॉप हमारी। अच्छा अच्छा वो सुनोली मोड़ पर जो दुकान वो आपकी है? अच्छा ही पहचान लिया मैं घूमेगा। अच्छा देखा देखा लग गया। पापा का नाम है राम कुमार मिस्त्री। हाँ हाँ डीजल पंप हो हाइड्रोलिक पंप हो स्टीयरिंग मोटर हो कुछ भी हो आर्मिडोल बोलते हैं उसको हर एक चीज रिपेयर करते हैं अपने हाथ से। मतलब हाइड्रोलिक का काम तो हो गया भाई अगर जेसीबी का भी काम है कोई हाइड्रोलिक रिलेटेड वो सारा कर लियो सब करते हैं। ठीक है ठीक है। हाइड्रोलिक नहीं। हाँ बोलो हाइड्रोलिक नहीं ट्रैक्टर का भी काम एक नंबर का करा है हम तो करवांदे नहीं। देख भाई बाहर की से काम सारा बाहर नहीं करवांदे सारा काम मिस्त्री यो करा हमारा तो। अच्छा अच्छा चाहे कुछ करना हो मॉडिफिकेशन पंप मॉडिफिकेशन तक लेगा पाउडर आज दिखा फिर के मॉडिफिकेशन करी आज ना ले लो साउंड बहुत तेज है ट्रैक्टर भी नहीं सिटी मारे इनका जो करिए पल वल वाले किल की मारन लग रहे हैं। के कह रहे हैं अच्छा इन्हें 12 क्विंटल पानी भरवा दी फिर एक इसकी बराबर का वजन करवा भाई बांध लेते। देख सुन यह बात तो मैं बिकूंगा भाई कंपनी है के दोनों पावर ट्रक फार्म ट्रक लेकिन जो टायर की पकड़ है ना अगर तेरे ट्रैक्टर में पानी भी होता तो उसके टायर चुड़े होने के जैसे ट्रैक्टर पकड़ करता फिर भी उसमें पानी 12 क्विंटल है इतना वजन उसमें मैं करवा पड़े मैं फिर बांध लिया धोखा खा जाएगा नहीं खा मान जा बांध यार टायर की पकड़ भी तो देख तुम छोड़ तू छोड़ तेरे घर में भुज्जा फाड़ दूंगा। साहिल भाई एक बात फर्क है ना उस टायर नहीं रेडियल का नहीं टायर की चौड़ाई का फर्क है। नॉर्मली टायर हो नहीं करता रेडियल। हाँ चौड़ाई की वजह से ट्रैक्टर पकड़ मारेगा और तू अपने अगर 16 के टायर में पानी भरवा लेगा ना और वो ट्रैक्टर अगर खाली हो तो भी वो इसके घस काट सके मतलब पकड़ है टायर की पकड़ है मान जा 28 क्विंटल जाओगा इसमें पानी होगा ना 60 में। हाँ और उसमें बिना पानी कितना था 28.5 और ऊपर से टायर की चौड़ाई पकड़ करेगी 45 किलो वजन है भाई। देख मैं कहूं अगर तू उस 5 क्विंटल पानी भी वजन भी ज्यादा कर लेगा ना बराबर करके 5 क्विंटल ज्यादा चला जाएगा तो भी मेरा विश्वास यो है कि मतलब वो ट्रैक्टर पकड़ करेगा। तो भाई ऑडियंस देखो इस बात का देखो टोचन होगा ना होगा तो बाद की बात है अभी मतलब मजाक में कह रहे हैं रियल कह रहे हो तो बाद का बेरा लगेगा लेकिन मैं यूं ऑडियंस से पूछना चाहूँ कमेंट में कि मतलब अगर वो ट्रैक्टर बिना पानी के हो और फार्म ट्रक 60 में पानी डलवा दे मैं या फिर इसमें पानी डलवा गया जैसे इन भाई ने बताया कितना हो गया अभी 40-45 40 हो गया और भाई कह रहा है कि इसमें भी बराबर कर लूंगा
भाई मान ले वजन टायर में डाल दिए, ऊपर मुर्गाड़ में कट्टे मट्टी के धर दिए, आगे बम्पर में धर दिए और 40 की छोटा कर इसमें 45 क्विंटल भी कर दे, तो क्या यो ट्रैक्टर उस ट्रैक्टर ने खींच पाओगा? क्योंकि मैंने तो विश्वास है उस पर टायर की चौड़ाई होने की वजह से और इसकी चौड़ाई रह जाएगी कम। तो बाकी तो बाद में देखेंगे, है ना। आज एक बार एक चीज़ और दिखा, मिस्त्री की दिखाया भाई, एक बार बताओ उसके बारे में, पंप में क्या मॉडिफिकेशन करी आपने? डीजल पंप का कराया थोड़ा सा काम। डीजल पंप का क्या कराया भाई? थोड़ा इसके आरपीएम बढ़ाए थे। आरपीएम बढ़ाए हैं। बाकी एक चीज है भाई, मिस्त्री का काम सराहनीय तो है, यूं देख लो पंप कोई खुलने के बाद भी, आरपीएम बढ़ने के बाद भी आपने स्क्रैच ना करनी, मतलब इतना फ्रेश काम क्यों कर दे हो? बस ये अपने अपने हाथ की सफाई है, देखो हाथ की सफाई है, जादूगर वाली बात, हाथ की सफाई है। अच्छा अच्छा, तो अब थोड़ी जरूरत पड़ेगी ना इसमें। हाँ भाई देखो, पानी वानी डाल लेंगे इसमें, मोस्टर डल गया, डाल लेंगे नहीं डाल दिया, चलो ये भी बात ठीक है। अच्छा किस का साहिल? साहिल भाई टायर साइज बताते हैं, चल जमींदार भाई देखो यार, अरे इसमें तो मतलब वो काम है, दो चार नगर सीट ना मिले तो इसके भीतर बैठ जा आराम से, घूमता चले जाएगा, बारी डबल मिलेगी ऋतिक तो पिछले लंबी उड़ सका आ जाएगा। तो चलो जमींदार भाई ने पहले टायर साइज दिखा दूं भाई, और यो देखो पहले जो फ्रंट टायर है ना चौड़ाई दिखा दूं मैं ऋतिक, भारी सा एक बस हम ये टायर की कितना चौड़ा टायर है, टक्कर में टायर की मतलब ये देखो, ऋतिक ने कवर नहीं कर पाया टायर ने, ऋतिक तो भी चौड़ा टायर है देख लो, दोनों बराबर हम दिख लग रहा है, और साइज दिखा दू टायर का आपने। अच्छा एक और बात जमींदार के दिमाग में रहे कि स्पेसर तो नहीं पाने पड़े, बिना स्पेसर के टायर चल रहे हैं भाई, देख लो स्पेसर नहीं है टायर में, और टायर के साइज की अगर हम बात करें ना भाई तो ये लो 600/50/22.5 यो टायर का साइज है, और प्राइस कितना भाई इसका साइज विद रिम? एक पेटी मतलब कोई फ्रूट की पेटी ना समझ जा, मतलब दूसरी पेटी लाख वाली। अच्छा अच्छा, और पिछले टायर का साइज है भाई देखो, अलायंस के टायर हैं, अगले कौन से अलायंस के होंगे या दूसरे? ना दूसरे कंपनी के हैं, वो भी दिखाऊंगे बाद में। चलो तो इसके साइज की अगर हम बात करें ना किसान भाइयों, तो ये लो साइज है इसका 600/70R30 और एलेंस कंपनी के टायर है, इसमें तो दोनों आ जाओगे, ऋतिक भी और साहिल भी देखिए, चौड़ाई ना पियो, एक बारी चौड़ाई ना पियोगी, बराबर में खड़े हो गए, कोली में आवे। अच्छा कुछ किसान भाई ने ना फिटिंग की दिक्कत आवे भाई, फिटिंग कहाँ करावे? तो जैसे आपने ये कंपनी मुर्गाड़ उच्चे उठ करे हैं, ये गुटके बनाए इसमें लोही प्लेट बनवा रहे, लोही प्लेट। तो देखो किसान भाई मैं आपने एक बात कहूंगा के ना, कुछ किसान भाई ने आपने देखा भी होगा पीछे से, अपने हादसा होगा देख, अपना भाई जो छोड़ के चला गया, उसने ये जो नट थे वो मतलब देसी नट डाल दिए थे, तो देखो जैसे इस भाई ने नट कसे ना रखा वाले, इस तरह के नट होने चाहिए। और स्पेसर अगर बनाओ तो स्पेसर कहाँ बनवाया ऋतिक आपने? नो साहिल भाई मिस्त्री था अपने पास, उसको बनवा लिए थे, राम के पास का मिस्त्री था, उसको बनवा लिए थे, उसको बनवा लिए थे। अरे ट्रक वाले रकाब लेके कटवा के ऊपर था और वो बिडवा दिया, जो ट्रक का मधुरे पर रकाब कसी जाए, रकाब तो पहले भी लगे इसमें पर वो छोटी पड़ गई, इतनी लंबी मिले नहीं, फिर मुर्गा चौटान में वो कंपनी से भी रकाब आ इसमें। तो देखो भाई मतलब जबरदस्त चीज बनाई भाइयों ने, देसी नट नहीं लाया इसमें, ओरिजिनल लेकर है सारा काम जो। हाँ देखो यार यो सारा वजन तो इन पे रहना नटा है ना। तो भाई अपना नाम है क्या है? अमित भाई हूँ, बता मतलब स्टंट वटंट करने का मन इसके साथ ही है, मतलब वैसे हूँ शौक में, मतलब बड़े टायर डाले, मोस्टर टायर शौक में डाले, स्टंट वटंट को अभी कोई मन तो है ना, कोई मन ना है। तो भाई जिस भाई ने ना टायर के बारे में पूछना हो ना, भाई टायर कहाँ तक मिलेंगे, प्राइस आपने बिराया लग गया, तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे उस दुकानदार का जहाँ से आपने टायर परचेज कर सको इस तरीके के मोस्टर टायर। और भाई एक बात और बताऊंगा, कोई भी भाई ना जिसका भी हम नंबर छोड़ देना वीडियो में, तो रात के टाइम फोन ना करा करो, क्योंकि देखो सबका अपना अपना बिजनेस है, दिन में पूरा दिन बंदा अपने बिजनेस करे और फिर रात में अपने जमींदार भाई के फोन बाजे हैं, तो रात में फोन ना करा करो, अगला तंग ना हो जा। और म्यूजिक कहाँ दरवाया भाई? अपने 5-7 किलोमीटर के एरिया में करवा रखा। अच्छा मतलब
पानीपत के चारों तरफ ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन करवा सके बंदा है, कैसे भी काम करना। तो इसमें खर्चा कितना गया? अपने अपने पास चारों तरफ अपने थारे थारे एरिया में ही। अच्छा अच्छा, दो चार गाँव में, अपने गांव को अंडा में, बस गांव को अंडा में। एक बात है, छोटे छोटे बालक कितने आ रहे हैं, एक बार उरे ना भाई, एक बार उरे ना बैठ, दर्दे बैठने, एक बार शरीर में बड़का दिखाइए, बढ़ जाएगा इसमें, बैठ के एक बार बैठ कर दिखा, मैं बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, पलोथी पलोथी मार ले, एक बार पलोथी मार ले, रुक जा रुक जा, तू बढ़ी है भाई, एक बारी वही तो देखना था ना मैंने, देख यूं नहीं यूं नहीं यूं नू घूम जा नू घूम जा नू आनू बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, मतलब यो तो ऐसा है यार, इस पर मतलब रस्सा वस्सा बांध कर अगर एक आधी सवारी एक्स्ट्रा हो जाए तो ले जा सको, ऐसे पूरा ही घुस गया इसमें। यो देखो भाई, मतलब ये अपने हरियाणा के नमूने हो हैं, ऐसे ऐसे एक्टिंग करने की, मतलब अब ना साहिल का नंबर आ गया, साहिल ने पिछले टायर में बाढ़ कर देखेंगे एक बार बढ़िए, एक बार बढ़ कर दिखा दे साहिल, एक बार देखेंगे इसके दिए घूम जाइए बैठ कर, एक कहने पा कर लिए, आज होगा ना आराम दे। हाँ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, अरे भाई देख लत्ता बाहर नहीं दिखना चाहिए, जिम्मे तो मेरा लगा डूंगा कितना रिम और सड़क भी तरने, अकेला है तो एडजस्ट कर लेना, ये मुंह ढके तो कुछ नहीं होता, डाठा मार के करेगा भाई मतलब यार गोड़े डूंगे रिम है ना, तो हाँ तो एक बार और बताऊँ, एक बात और बताऊंगा मैं अपने किसान भाइयों ने, कोई यू मत कही, मतलब नेगेटिव कमेंट करोगे, अब मैंने पता है इस बात में देख कर भाई इसके अंदर मतलब बैठ कर या कोई नोवी गैस के है, अरे नरेश भाई तू खुद को नहीं बैठा, देख भाई सेहत के हिसाब से मैं तो इसमें आ नहीं सकूँगा, लेकिन यो नेगेटिव कमेंट यूँ मत करियो कि कोई यूँगा भाई तो एक हादसा था, एक और वो कर रहा है, मतलब इस चीज़ ने बढ़ावा दे रहा है, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा कि स्टंट के लिए बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं ही देख रहा हूँ रिम कितने गहरे हैं, मतलब चौड़ाई कितनी है रिम की, क्योंकि वीडियो में आपने प्रॉपर नहीं तो दिख जा मोस्टर टायर है, लेकिन इस बात का नहीं पता लगता कि यहाँ की गहराई कितनी होगी, तो वह चीज़ दिखा रहे हैं, इस बात ने नेगेटिव पढ़ में मत लियो कि भाई बच्चा ने वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बात और कहूँगा, अगर अमित भाई का तैयार किया ट्रैक्टर जो मैंने साहिल भाई ने करी है, अमित भाई ने पैसा लगाया है, तो मतलब बताइए यार कैसा लगा, और भी किसी भाई ने टायर वगैरह प्लस लिखा जाए या 70,000 बनाया जाए या कुछ से और लगाया जाओ, हाँ तो भाई कहेंगे तो हिसाब से करेंगे फिर, हाँ, जैसे हाँ, कमेंट करके जैसे आप कमेंट करो नाम ट्रैक्टर में अपग्रेड हुई है तो ऐसे नाम में भी अपग्रेड, देखो भाई फर्ज तो बनता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा हो जब तो कहीं कहते गोलू है मोलू है फलाना है ढगड़ा है, लेकिन बड़ा हुआ है तो उसका नाम लिखा जाए, फिर नाम के पीछे सरनेम लाग लगा जाए, मेरे नाम के पीछे भाई नरेश चिकारा, भाई के नाम के पीछे साहिल मलिक और भाई ऋतिक मान और अपना अमित तनवर, मतलब सरनेम जब आ जाए तो मतलब इसका नाम तो रखा जाए, इसका सरनेम और बता दो क्या रखा जाए ना, कोई नहीं वो आपको बता देंगे बना दिया अगली वीडियो, और बाकी भाई म्यूजिक मैजिक के बारे में भी जो भाई ने हम साहिल भाई का भी चैनल देखो एक बार, चैनल का नाम तू भी बता दे भाई अपने का, तो है ट्रैक्टर टोचल लवर साहिल मलिक, ट्रैक्टर टोचल लवर साहिल मलिक। तो भाई अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ लेनी है आपने इंस्टा पर मैसेज कर दियो, वीडियो में कमेंट कर दियो, ठीक है, और बाकी चलते चलते तो मैंने एक चीज़ और देखी होगी, स्टार्टिंग में हमने ट्रैक्टर चलता दिखाया था, एक बार ऊपर बैठ के और दाएं बाएं का इसका रिव्यू ले कि मतलब कैसा कि हम फीलिंग आवे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करने, तो साहिल भाई एक बार आड़े के प्लाट प्लूटा में ट्रैक्टर में चला के दिखा, हेलो ब्रेक लो एक सीढ़ी बनवा लो या फिर एक काम करा करो पीछे पीछे लिफ्ट पर चढ़ गए, अरे म्यूजिक के तले के लिए गड़गाया करो है ना, लिफ्ट लगाओ ना फिर अपने चढ़ने खातर, टूर्नामेंट खत्म तार रखी इसकी गले में टोचन करने का इरादा आ इतने बड़े तरी, अच्छा फिर अच्छा अच्छा एक मिनट दोबारा गई है क्या था
कई एक बार बेटे मतलब जो मारे बेटे लगन की उम्र गए ना वे मैंने कहा बेटे है जबरदस्त फिर बारी हो गया ना मतलब वो हो गया एक मिनट रोक ले साहिल चल कर कर के कर इसके बराबर माइयो टायर की हाइट कितनी है तो देख ले रिम में तो फंसा लिया साहिल तो देख लो कंधे पे जाओ भाई के 6 फुट हाइट है एक ही तो यूं मानो लगभग 5.5 फीट की हाइट है टायर की ना कंधे भाग आपके है ना कंधे तो कुछ ना कुछ ऊपर ही निकल रहा है ना देखो भाई मस्त है। चलो दोस्तों तो भाई वीडियो आपने देख ली कैसी क्या बनी है और कैसा क्या इसमें मतलब स्पेसिफिकेशन है इसका जो चेंजिंग की गई वो सारी चीज़ें आपने देख ली। तो दर्शक भाई तो मैं यह बात कहना चाहूँ कि भाई कमेंट करके जरूर बताइए अपना ट्रैक्टर कैसा लग गया और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है और आपने कैसा मॉडिफाई करवा रखा उसके बारे में जरूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे दर्शक बहन राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।